तुला राशि 24 से 28 फरवरी। तुला राशि की अगर हम बात करें तो 26, 27, 28 की जो तारीख होने वाली है वो इन राशि के जातक के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मासारंभ की अगर मैं ग्रहों की स्थितियों की बात करूं तो केतु तुला राशि के होकर लग्न में है, बुध राशि के साथ धनु राशि के साथ तृतीय भाव में है, सूर्य मकर राशि का होकर चतुर्थ भाव में है, शुक्र शनि कुंभ राशि के होकर पंचम भाव में है, बृहस्पति मीन राशि के होकर षष्ठम भाव में है, राहु मेष राशि के होकर सप्तम भाव में है, चंद्रमा मंगल वृषभ राशि में से अष्टम भाव में चलायमान है। 24 से 26 फरवरी के मध्य का समय सामान्य रहेगा। आप अपने विरोधियों को धूल चटाने में सक्षम रहेंगे, अपने जो काम किए हैं वो सार्थक होंगे, आप अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार करके मुनाफा बढ़ा लेंगे, मुनाफे के लिए बढ़िया रहेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, 27-28 को समय अनुकूल नहीं है। दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपको ये लगेगा कि सामने वाला मेरे फेवर का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो बॉस के साथ आपकी अनबन हो सकती है, सावधान रहें। आप अधिक खर्च ना करें, खर्चा करते समय सोचें और सोच समझकर ही ऐसा इन्वेस्ट करें। जमीन पर रह रहे नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं जमीन संबंधित, तो आपको ऐसे में जोखिम ना उठाने की सलाह दी जाती है। आपको आंतरिक संतुलन बना के रखना होगा, इसके लिए आप अपना अध्यात्म या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। फैसले या निर्णय सही नहीं ले पाएंगे, सरदर्द आदि की समस्या से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में आप कच्चे दूध को पानी में डालकर स्नान करें, आपके लिए